आ तुम जाना आज हम जाना चैनल सब्सक्राइब के दियो, लाइक भी के दियो, सब्सक्राइब भी के दियो, शेयर तो कौन कौन हो बाकी दाँत खाली दानी मजा आए तीन दिन भी अठी दान दी गई हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग उत्तराखंडी। मैं लता विस्ट आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैंने खाना पीना बना लिया है और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो ब्लॉग सुबह स्टार्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि आज मेरे सास ससुर जा रहे मेरी दीदी के घर, मतलब मेरे जिठो जी के घर, मेरे पतिदेव के बड़ी वाली दीदी के घर जा रहे। तो मैं हमारे पहाड़ों में जब मिस्टर जी के दीदी या छोटी बहन रहती है तो बड़ी दीदी को जिठो जी कहते हैं और छोटी को नना जी कहते हैं। तो बड़ी दीदी को मैं दीदी कहती हूँ, जिठो को दीदी कहती हूँ। तो वो जा रहे हैं सास ससुर जा रहे बड़ी दीदी के घर, तो वहाँ पर हो रहा कोथिक, तो कोथिक देखने जा रहे। तो उसके बाद मिस्टर जी और मैं रहेंगे यहाँ पर अकेले और वो आएंगे 2-4 दिनों में। और मैं दिखाती हूँ, मेरी सासू जी खा रही खाना तो मैं दिखाती हूँ सासू जी को और मुझे मैं भी खा लेती हूँ। सासू जी कहे कि मैं अकेले नहीं खा सकती तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है घास के लिए। तो मुझे काटना है दो, क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ों में तो दो भारा कहते हैं और आपकी भाषा में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो दो भारा घास काटना है मुझे, एक भारा मिस्टर जी लेके आएंगे और एक भारा मैं लेके आऊँगी ऊपर। तो मैं दिखाती हूँ सासू जी को। और ससुर जी नहा रहे तो मैं एक रोटी खा रही थी, उसके बाद मैंने जाना है घास के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई घास के लिए और मैंने दो रस्सी लेके आई हूँ। फिर मिस्टर जी को कॉल करके बोलूँगी मैं कि घास के लिए आ जाओ, तो मैं तब तक बना लेती हूँ, क्योंकि आज ससुर जी और सासू जी जा रहे दीदी लोगों के घर, क्योंकि वहाँ पे कौथिक हो रहा है तो लोग वहाँ जा रहे, तो इसीलिए वो अभी नहीं गए। तो मैं खाना बना के, खाना खा के मैं इधर आ गई और मिस्टर जी जाएंगे सब्जी लेके उधर, दीदी लोगों के लिए सब्जी रखी है कट्टे में तो वो जाएंगे उधर, तो मुझे बनाना है घास। तो मैं खेत में तो पहुंच चुकी हूँ, उधर ही घर के सामने ही बनाना है घास, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई, घर पे ही नहीं बनाया मैंने वीडियो। और यहाँ पे है हमारा झंगुरा, तो मैंने उधर साइड से बनाना है घास को, तो मैं उधर साइड जा लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। रस्सी को मैंने कमर पे बांध लिया है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर होता है तो रास्ता नहीं है, तो इसलिए पहले झंगोरे को ऊपर करना पड़ेगा, फिर रास्ता निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, अभी किनारे पे तो नहीं गई, उधर किनारा जो पेड़ दिख रहा होगा आपको, तो मैंने वहाँ पे काटना है घास। और मैं उधर दिखाती हूँ मैं कहाँ से आई यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भट और दाल हो रही की बहुत ज़्यादा, और दाल की वजह से रास्ता बहुत बंद हो रखा है। और मैं उधर से उधर किनारा दिख रहा हो आपको, तो उधर जो पेड़ दिख रहा तो वहाँ से इधर है रास्ता, तो वहाँ से इधर को आई मैं। तो मैं बना लेती हूँ अब घास, वहाँ पर जाते जाते काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से उधर ही बना लेती हूँ मैं। और मिस्टर जी भी आने वाले होंगे, क्योंकि वो कट्टा रखने गए थे जाकोली साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टर जी भी आए घास के लिए और कॉल किया मैंने और बना लिया मैंने उनके लिए घास। तो जल्दी से रस्सी पे बांध लेती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। जाने बैठ गए घर, तो मिलते हैं अब घर ही पे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं घर पे और मैंने यहीं पे रखा है घास, और मिस्टर जी घास रख के बाहर पे चले गए और मिस्टर जी ने रखा है यहाँ पे, अंदर दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने और हमारा घास रखने का यहाँ अंदर है, देख सकते हो, ये देखिए मैं ये रस्सी पिलाई मिस्टर जी को, पहाड़ों में भारा कहते हैं। और यहाँ पे सुपौर है और ये मैं लेकर आई थी जंगल से, और ये कल का है, कल ले आई मैं। तो मिस्टर जी ने खाना नहीं खाया था, तो मिस्टर जी हाथ मुँह धो रहे वहाँ पे, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा मिस्टर जी बाहर खाना
खाने के लिए रेडी गुड़खे। और ये हमारी गीतू, ये देखिए कैसे कर रही है। हाँ मारने आती लेकिन आज तब नहीं मार रही मेरे को। और अब मैं घास को खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर उसके बाद रख लिया है मैंने घास को अंदर। और मैं भी ऊपर जाती हूँ अब। और आज का मौसम देखिए यहाँ पर कितनी तेज धूप लगी हुई है। और लाइट देखती हूँ मैं, लाइट होगी तो ठीक है। कपड़े भी धोने हैं बहुत ज़्यादा। और मिस्टर जी पहले आ गए अंदर। मिस्टर जी कहाँ गए, किचन में पहुँच गए। और यहाँ पे देखिए किचन में पहुँच गए पहले। क्या कहा डॉल कदर्च दे जाए, कदर्च दे जाए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चाय रखी थी और मिस्टर जी ने पता नहीं कहाँ छुपा दी। कौन छुपा तुम? पर देखिए कहाँ छुपाई है, ऊपर देखिए चाय का फरे पान को देखिए ऊपर रखा हुआ है। और कह रहे कि पूरा जल गए। जला तो नहीं, अभी तो रखा मैंने, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ पहले। ओके ये देखिए अब खाना खाते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मिस्टर जी खा रहे खाना। ये देखिए नखरे। तुम जाना आज यूँ जाना, चैनल सब्सक्राइब के दियो, लाइक भी के दियो, सब्सक्राइब भी के दियो, शेयर तो कौन कौन हो। अब आगे नहीं दांत उल्टा खा रही, दान में आए तीन दिन भी अठी दान दिखनी हो। तो फ्रेंड्स हमने खा लिया है खाना पीना और मैंने सारा काम समाप्त कर दिया है। और अब बनाती हूँ मैं लंच और उसके बाद मिलते हैं। और आज मैंने हस्बैंड और मैंने अपने लिए बनाना है खाना। और मिस्टर चले गए उधर जा पुलिस मार, कुछ काम है उनका वहाँ पे, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय। तो फ्रेंड्स मिस्टर जी भी आ गए और हमने खाना पीना खा लिया है। अभी आए मिस्टर जी तो खाना पीना खाया हमने, तो बर्तन साफ कर लिए मैंने, तो अभी सोने की तैयारी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स हमने पी लिया चाय और मिस्टर जी के अभी भैंस के साथ। और मैं जा रही हूँ नीचे गोबर निकालने और गाय को बाहर बांध लेती हूँ मैं बाहर पे। तो उसके बाद जाना है मुझे घास के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने बांध लिया है बाछी को और मिस्टर जी बना रहे छोटी बाछी के लिए घंटी, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए मिस्टर जी बांध रहे छोटी बाछी पे घंटी। कि बाछी कैसे कर रही है वो सोच रही, पता नहीं क्या बांध रहे। हाथ चाटना बंद कर। अच्छा वो सोच रहा बल्कि हाथ चाट रहा है। डियर अरे देखिए कितने घास मार ले, डर तो नहीं भाई और यहाँ पे देखिए ये है घंटी। और गाय भैंस को लेके भी आ गई मिस्टर जी, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या मिलती हूँ मैं जा रही हूँ अब घास के लिए, वहाँ डुमना में, डुमना के खेत में जा रही हूँ मैं। और चलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं चली गई और मैं रस्सी लेके गई हूँ, तो उसी रास्ते जा रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि बार बार वही रास्ता दिखा रही। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है और आज उतनी गर्मी नहीं थी और धूप भी नहीं लगी थी उतनी तेज़, सुबह में लगी थी, तो अभी मौसम अच्छा हो गया है, ना उतनी गर्मी ना उतना ठंडा ना बारिश है। देखिए हवा चल रही है बहुत अच्छी। और यहाँ पे अच्छे से जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सुबह में एक नागराज था, बल मैंने तो नहीं देखा। मैं जब घास के लिए जा रही थी तो पीछे से स्कूल के बच्चे आए, तो वो कह रहे थे कि
वहाँ पे एक नागराज था, तो इसीलिए मैं देख के चलती हूँ। ये देखिए इस साड़ी में भी झंगोरा हो गया, और एक दो दिन में झंगोरा काटना शुरू कर देंगे। और झंगोरे को काटने, झंगोरा काटने के लिए लोमान कहते हैं हमें गांव में। तो एक दो दिन में हो जाएगा ये पूरा फसल, तो पूरी फसल काटने के लिए लोमान करने के लिए रेडी हो जाएगी। इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो मौसम देख लिया होगा आपने कितना ठंडा हो रखा है, और हवाएं चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और हाँ, से मेरी दीदी गई है मायके, और मुझे भी कह रही थी कि तू भी आ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा और भाभी को हुर का टाइफाइड, और मम्मी पापा भी बीमारी हैं, और अरब को भी बुखार है तेज़। तो दीदी गई है वहाँ पे कि लोमान स्टार्टिंग हो गई है, तो मम्मी कह रही थी, मुझे भी बोल रही थी कि तू भी आना थोड़ा लोमान करना है। और क्योंकि आज मेरे सास ससुर चले गए दीदी के घर ससुराल, और मतलब मेरी जिठो जी के घर, तो दो चार दिन में आएंगे वो लोग, तो इसलिए उसके बाद जाऊंगी मैं अपने मायके लोमान करने। और क्या पता दीदी एक दो दिन में आएगी या आज भी आ सकती है, क्योंकि उसके बच्चों को भी बुखार आ रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही बुखार चल रखे सभी जगह। तो दीदी इसलिए मिलती हूँ मैं खेत में, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, मुझे काटना है यहीं पे, जहाँ पे मैंने सुबह काटा तो वहीं पे काटना है मुझे, तो मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो जल्दी से, और यहाँ पे काटना है मुझे घास, तो मैं जल्दी से घास काट लेती हूँ। यहाँ से नीचे जाना है मुझे, देखिए यहाँ पे भी झंगोरा हो गया है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, तो नीचे जाना है मुझे। तो दोस्तों मैंने बना लिया है घास, ये देख सकते हो आप, मैंने ये काट रखा है। तो दोस्तों मैं घर जाने बैठ गई हूँ, और मिलती हूँ घर ही पे, क्योंकि अंधेरा हो गया है, और आज क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है तो गाय भारी होंगी, और मच्छर भी बहुत हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पे तो धुआं बुझ गया होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। तो मिलते हैं घर पे ही। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई घर पे, और यहाँ पे धुआं भी लगा दिया मैंने, और बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए, और गाय भी अंदर बांध ली मैंने, और यहाँ पे अभी तक मिस्टर जी नहीं आए, उधर गए थे शायद शाम को, हमेशा वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, तो अभी नहीं आए मिस्टर जी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और स्वस्थ रहें मस्त रहें, तब तक के लिए बाय।